फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मॉर्निंग में मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बादली से लेकर सिरसपुर तक के लिए जो मेट्रो प्रोजेक्टेड है अब उसे खेड़ा कला गांव तक एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब उसकी बात चल रही है, दिल्ली मेट्रो को उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए दिल्ली सरकार ने बोला है। इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई लगी थी जिसका रिप्लाई डीएमआरसी ने दिया है, वह आरटीआई और उसका रिप्लाई मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। और फ्रेंड्स बादली से सिरसपुर होते हुए खेड़ा कला गाँव तक जो मेट्रो चलाने की बात चल रही है इससे रिलेटेड न्यूज़ आज न्यूज़पेपर में भी छपी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह आज का न्यूज़पेपर है, आज का नवभारत टाइम्स है। बादली सिरसपुर मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार, मंजूरी का इंतजार, एक आरटीआई के जवाब में डीएमआरसी ने दी जानकारी। फ्रेंड्स जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उन्होंने ही मुझे आरटीआई शेयर की थी मेरे मेल पे और उन्होंने बोला था कि इस आरटीआई से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई तो उन्होंने बोला कि इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। ये खेड़ा खुर्द गाँव के आरडब्ल्यूए के सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझसे बोला था कि इस पर वीडियो बनाने के लिए। और जो ये न्यूज़ छपी है इस न्यूज़ को भी उनकी आरटीआई की वजह से यहाँ पे नवभारत टाइम्स ने छापा है। और दूसरा यह एसोसिएशन जो है रिठाला और नरेला तक की मेट्रो के लिए भी संघर्ष कर रही है और बादली सिरसपुर मेट्रो के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। बादली सिरसपुर मेट्रो कॉरिडोर बनाने को लेकर डीएमआरसी की तरफ से डीपीआर जुलाई 2023 में दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर गुरुग्राम से बादली तक और फिर सिरसपुर तक, इसके बाद सिरसपुर से 2 किलोमीटर आगे खेड़ा कला मेट्रो डिपो तक विस्तार किए जाने को लेकर भी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। दिल्ली सरकार की सलाह के बाद सितंबर 2023 से इस रिपोर्ट की तैयारी डीएमआरसी की तरफ से की जा रही है। यह जानकारी डीएमआरसी ने एक आरटीए के जवाब में दी है। मेट्रो की मंजूरी में देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि आउटर नॉर्थ एरिया को जोड़ने वाले नरेला इलाके की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, लोगों की मेट्रो की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो फेस 4 की 2 लाइनों के विस्तार प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए शिलान्यास किया गया, लेकिन अभी तक रिठाला बवाना नरेला मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी नहीं मिली है। खेड़ा कला के निवासी सुमन कौशिक ने बताया कि सिरसपुर मेट्रो के लिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन भी दी है, यहाँ डिपो सिरसपुर की जमीन पर ही बनाया है। दिल्ली की बाकी लाइनों पर मेट्रो के प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण में लगातार देरी हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो मेट्रो को जल्द से जल्द लाने के लिए, मेट्रो को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका स्ट्रगल का ही नतीजा है कि डीपीआर तैयार हो गया लेकिन फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको लटका दिया है। अब उसको आगे खेड़ा कला तक एक्सटेंशन की बात हो रही है, चलिए ठीक है वो भी ठीक है। यदि खेड़ा कला तक एक्सटेंड की जाती है तो बेशक 6 महीने बाद ही स्टार्ट हो पाए, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर अप्रूवल 6 महीने साल भर बाद ही हो, लेकिन यदि खेड़ा कला तक हो जाता है तो एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को काफ़ी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।